और नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, हिमस्खलन में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। द्रौपदी के डांडा दो पर्वत चोटी में 28 लोगों के पहले फंसने की खबर आई, उसके बाद ये पता चला कि दो लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़ी खबर और दुखद खबर, 10 लोगों की मौत हो गई, 18 प्रशिक्षणार्थी हिमस्खलन में अभी भी फंसे हुए हैं। ये एक दुर्गम पहाड़ी चोटी, उत्तराखंड सरकार ने सेना से मदद मांगी है, केंद्र सरकार से मदद मांगी और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने का अनुरोध भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू के लिए सेना से मदद मांगी थी। राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आपस में बातचीत हुई थी। लेकिन बड़ी खबर और दुखद खबर कि 10 लोग अब हमारे बीच में नहीं है, 28 पर्वतारोहियों के फंसने की खबर सामने आ रही थी। पहले ये जानकारी आई कि दो लोग नहीं बचाए जा सके हैं, दो लोग जिनकी डेथ हो गई, और अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है, यानी कि 10 पर्वतारोहियों ने अपनी जानें गंवा दी है। हालांकि रेस्क्यू अभी तक चल रहा है, 28 लोगों के फंसे होने की खबर थी, अभी भी 18 लोग फंसे हुए, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। ITBP, NDRF, SDRF, सेना की लगातार मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस बारे में बातचीत की थी और हर संभव मदद का आश्वासन उन्हें दिलाया था। बताया जा रहा है कि एक दुर्गम पहाड़ी चोटी है जहां पर रेस्क्यू करना बहुत 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 मुश्किल है। और पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है, क्या बताएंगे, कैसी क्या जानकारी है? देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं है, हालांकि ये अपुष्ट सूत्रों से है कि लगभग 9 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है, ना इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो इसकी पुष्टि कर रहा है। अभी तक केवल 2 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई, लेकिन अपुष्ट सूत्रों ने ये जरूर बताया है कि लगभग 9 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन जिस तरीके से लगातार, क्योंकि आप ये समझिए जो 28 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, इसलिए वहां पर पहुंचना ही लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो, क्योंकि जितने लोग वहां पर लगे हैं वो सुबह से ही, जब से ये मामला सामने आया तब से रेस्क्यू करने में लगे हैं, कई लोगों को वहां से वापस भेजा जा रहा है क्योंकि ऐसा मुश्किल टेरेन है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बहुत दुर्गम स्थिति है वहाँ की, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए भी इसका पूरा, यानी पंकज, बहुत दुर्गम स्थितियां है, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, रेस्क्यू की टीमों के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसा कि पंकज शुरुआत में भी हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो कैसे टैकल किया जा पाएगा इन तमाम चीजों को, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी हर मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां तक पहुंचना ही बहुत क्रिटिकल है उन टीम्स के लिए। पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसके लिए अभी भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर जो है वो सहारनपुर के तरसावा एयरबेस से उड़ान भर के हर्षिल पहुंच चुके हैं, और बरेली से एक बड़ा हेलीकॉप्टर LH कहा जाता है उसको, वो उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पे वो लैंड हो चुका है। तो अब कोशिश यही रहेगी कि इन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वो किया जाए, लेकिन क्योंकि मौसम खराब है, अभी उत्तरकाशी के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में भी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर एकाएक जिस तरीके से साइक्लोनिक को वो बनता है, कहीं ना कहीं बादल घिराते हैं और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर का चलना भी मुश्किल हो जाता है, और हेलीकॉप्टर के बिना आप वहां पर रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। यानी कि एयरलिफ्टिंग में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू की टीम्स को। कितने लोग पंकज वहां पर अभी मौजूद है, कितने लोगों के फंसे होने की खबर है पंकज? देखिए, लगभग 30 लोगों के, 29 से 30 लोग बताए जा रहे हैं, और उसमें से लगभग 8 लोगों को बचाया जा चुका था, उसमें 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, वो 2 महिला ट्रेनर थी, उनको उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी थी, यानी 21 लोगों के रेस्क्यू किया जा रहा था। अब ऐसे में अगर 10 लोगों के और मरने की खबर पुष्ट होती है तो फिर 10 लोगों के साथ साथ केवल अब जो है 10 लोगों को और बचाना है, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जो मिले वो तो हल्की फुल्की सामान्य चोटों के साथ मिल गए। पंकज, अगर ये कंफर्म हो जाती है खबर, अगर 10 लोगों की मौत की खबर पूरी तरह से पुष्ट हो जाती है, पंकज जैसा कि आप बता रहे हैं, तो एक बड़ी जनहानि माना जाएगा, क्या आप सरकार की तरफ? पंकज, आपको मैं फिलहाल रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी जी भी जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बड़ा हादसा हुआ है, पहले ये खबर आ रही थी कि 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि रेस्क्यू किया जा रहा है, बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन 10 लोगों के मरने की खबर है। जी,
कैसे रिएक्ट करेंगी? बहुत ही दुखद है। पहले तो मृत आत्माओं को आपके चैनल के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, उनके परिजनों के प्रति भी, और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। और वही कहना चाहूंगी कि हम 2013 की आपदा के बाद भी कोई सबक नहीं सीख पाए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि आप देखिए 2013 की जब आपदा आई, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर थी और हमने उस वक्त केंद्र सरकार से नई टेक्नोलॉजी के रडार की अपेक्षा की थी, जो कि पूर्वानुमान लगा ले मौसम का और पहले से ही हमारे आपदा विभाग को अलर्ट कर दें ताकि हम अपनी तैयारियां पूरी कर लें, हम NDRF और SDRF को वहां पर डिप्यूट कर दें और हम तमाम वो तैयारियां कर पाएं जो कि किसी भी आपदा से पहले कोई भी गवर्नमेंट करती है। लेकिन आज दिन तक भी उत्तराखंड, जो कि भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है, जिसकी सामरिक दृष्टि से भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, हमारी बाउंड्री, यानी कि गरिमा जी, एक जो सवाल विपक्षी पार्टियों का होता है कि कहीं ना कहीं आपके प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे राज्य में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी आपदाओं को लेकर, क्योंकि इतना सेंसिटिव ये राज्य है, उस तरह की चीजें नहीं है गरिमा जी? बिल्कुल स्वाति, आपने ठीक कहा। हम पहले जो हम देखते आए थे कि हम इसमें NCC के बच्चों को भी ये चीजें सिखाते थे कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पर आपकी भी सेवाएं ली जा सकती हैं। हम रेकी करवाते थे, हम प्रैक्टिसेस करवाते थे कि सपोज अगर आपदा आ गई तो कैसे हमें मुस्तैदी के साथ काम करना है। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि कहीं शासन प्रशासन अपनी उलझनों में ही इतना उलझा हुआ है। अभी हाल ही में देखिए, इसी महीने केदारनाथ धाम में 3 बार एवलांच आ चुका है। हम कहते रहे कि आप पौराणिक हमारी धरोहर के संग छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे। कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना हमें भारी पड़ रहा है। ऑल वेदर रोड को मैं इसका बड़ा गुनहगार मानती हूँ कि कहीं ना कहीं ऑल वेदर रोड के बनने से जो बड़ी बड़ी JCB चली, बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन चलाई गई, पहाड़ों को खोदा गया, उनके बहुत शुक्रिया भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका सीधा आरोप, सीधा सवाल प्रदेश की धामी सरकार पर है कि इतनी सारी बातें करने के बाद भी प्रदेश में जो आपदा मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र भी किया और कहा कि 2013 की भीषण आपदा से भी कोई सबक नहीं लिया गया क्या? इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में लोगों ने देखी 2013 में, उस आपदा से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। और बड़ी खबर, उत्तरकाशी हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह